हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का कॉमर्स ऑप्शनल, जिसका हम चैप्टर लेंगे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो अब ये है सिलेबस जो एज इट इज़ हमें यूपीएससी वेबसाइट से लिया है। ठीक है, अब ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं यही आपके चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ आईआर। ठीक है, तो पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझते हैं कि ये है क्या। इसके दो वर्ड्स हैं, एक है इंडस्ट्रीज और एक है रिलेशन। यानी कि एक इंडस्ट्री के अंदर या एक वर्क प्लेस के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए, और अगर ख़राब है तो क्या करना चाहिए, ये सब हमें सिखाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को। अब दोनों को रहना ही है साथ में, क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? बहुत होते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हद से ज़्यादा बढ़ जाए और उन्हें मैनेज ही नहीं किया जाए तो क्या इससे उनका डिवोर्स हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या ये सल्यूशन है? ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन क्या है? या तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करो, पहले ही प्रिवेंट कर लो, या फिर उनको आप, अगर हो गए कॉन्फ्लिक्ट तो उसको आप मैनेज करो। प्रिवेंट कैसे करोगे? प्रिवेंट करोगे कम्युनिकेशन के थ्रू, और पहले म्यूचुअल ट्रस्ट के थ्रू, एक ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे कम करोगे या कैसे सॉल्व करोगे? आपस में बात करके, और किसी थर्ड पर्सन को, अगर वो भी नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे, और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर आप जाओगे कोर्ट में, राइट? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की तरह ही है। इसी एग्जांपल से हम समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडस्ट्रियल प्लेस पे होते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। और एक और चीज़ कि इंडस्ट्रियल कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है। ट्रेडिशनल रोल की बात करें तो ट्रेडिशनली कुछ और वैल्यू सिस्टम होती होगी, जैसे कि वाइफ का रोल, ठीक है, घर पे बच्चे संभालना, हाउस होल्ड ड्यूटीज करना, जबकि हस्बैंड का रोल एक ब्रेडविनर की तरह होता था। पर आज विद चेंजेस इन द वैल्यू सिस्टम, जैसे कि मॉडर्न वैल्यूज आ गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, क्या उनका रोल चेंज हो गया? अब हाँ हो गया। अब हस्बैंड वाइफ दोनों क्या है? वर्किंग है। दोनों के वैल्यू सिस्टम में क्या है? चेंज आया है उनके रिलेशनशिप में। ऐसे ही हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ेंगे कि पहले ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसा था, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद अब कैसा है। मतलब क्या फैक्टर्स आए बीच में जिसकी वजह से चेंज हुआ, और अब ऐसा उसका क्या फ्यूचर में या प्रेजेंट में स्टेटस है। तो पूरा चैप्टर बस इसी के बेसिस पे हम पूरा की पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से। मीनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेड यूनियन। अब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों, अब हमें पता है कि एम्प्लॉयर क्या होता है, थोड़ा पावरफुल होता है। तो क्या एम्प्लॉई उससे अकेले लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो इसके लिए एम्प्लॉय क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। फिर वो इनके साथ दोनों कंपीट करते हैं, किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, असेंशियल्स, अप्रोच, इवोल्यूशन और एक एग्जिट पॉलिसी। इन सब पे क्वेश्चंस आए तो PYQ भी इस स्लाइड के अंदर इंक्लूडेड है। अब जब बात आती है कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट में क्या क्या लिखना है? कंसेप्ट में पहले आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन, हमने मीनिंग अभी पढ़ ली। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस या मेरिट्स, उसके साथ में या उससे पहले आएंगे फीचर्स, फिर आएंगे लिमिटेशंस, और फिर हम क्या लिख देंगे, वे फॉरवर्ड। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे हेनरी रिचर्डसन की।
तो इट इज आर्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू अचीव द गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में हम क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहले तो दोनों के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक ढंग से आएगा और तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तभी तो हम उसके लिए IR पढ़ेंगे उनको मैनेज करने के लिए। दूसरा, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें लिखा है कि इट एक्चुअली वर्क्स एज अ कॉन्टिनम। कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है कि अगर कोऑपरेशन बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कम होगा। तो मैनेजर या किसी की, मैनेजर की ड्यूटी क्या है या IR हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम कोऑपरेशन को बढ़ा सके और कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके। ठीक है, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि ये पेस्टल, यानी कि ये इन सब चीज़ों से अफेक्ट होता है और इनको अफेक्ट करता भी है, जैसे कि पॉलिटिकल है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। फिर इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट्स। तो IR इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से वेजेस चेंज होते रहते हैं। यस, तो उससे IR अफेक्ट होगा, होगा। अगर वेजेस कम है तो क्या IR अच्छे रहेंगे? नहीं, तो बैड IR हो जाएंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, लॉ टू अंडरस्टैंड द वर्क प्लेस डायनेमिक्स। फिर है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एट ऑल लेवल्स। इट इज, तो IR इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स एंड इट इज इन्फ्लुएंस एंड इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये डायनामिक कंसेप्ट है। अभी हमने पढ़ा ही था कि कुछ फैक्टर्स की वजह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप चेंज होता है, वैसे ही कुछ फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब की या फिर लिबरलाइजेशन, ये ले लो, तो इन सब की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन भी चेंज हुआ है। ठीक है, प्लूरलिस्ट है। प्लूरलिस्ट का मतलब क्या होता है? डाइवर्स इंटरेस्ट। डाइवर्स इंटरेस्ट, तो दोनों के बीच में डाइवर्स इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट अलग अलग है। एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट अलग है, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट अलग है। एम्प्लॉयर के क्या इंटरेस्ट है? एम्प्लॉयर को चाहिए कि भाई सैलरी मैं दूंगा कम और मैं काम करवाऊंगा ज्यादा, जबकि एम्प्लॉय क्या चाहता है? भाई मुझे सैलरी चाहिए ज्यादा और मुझे वर्क करना है कम। तो ये डाइवर्स इंटरेस्ट है दोनों के, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बनते हैं। ठीक है, फीचर्स की बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस एंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब एक बात बताओ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन हम गुड IR रखना चाह रहे हैं। ठीक है, IR हम चाहते हैं कि अच्छे हो दोनों के, तो उससे फायदा क्या होगा? बहुत नॉर्मल है, हम सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी, या जिसके लिए ये सब हम कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये सब एक चीज पर आके अटकती है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड कब रहेंगे? जब उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब रेस्पेक्ट की जाएगी, जब एक ट्रस्ट होगा, जब उनको जस्टिस मिलेगा, जब कोऑपरेशन होगा, जब सारे लॉज, जितने भी लॉज है उनका कंप्लायंस होगा, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉज तोड़ तो नहीं रही। जैसे लॉज आता है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, मतलब कि फीमेल हो या मेल, दोनों को इक्वल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ फॉलो होती ही नहीं है कि फीमेल्स को कम मिलता है पैसे, मेल्स को ज़्यादा मिलता है, जबकि वो दोनों सेम काम करते हैं, सेम प्रोडक्टिविटी के साथ करते हैं, फिर तो इसकी वजह से उस इंडस्ट्रीज में या उस ऑर्गेनाइजेशन में IR क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा। यानी कि मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं या ठीक है या सही है,
तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो प्रोडक्टिविटी होगी। बस इसी को हम एज इट इज इन पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर देंगे। पहला प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जस्टिस, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन बिटवीन पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉई। यहाँ देख ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉई किस में? जब पॉलिसी बनी नहीं है या फिर बनाने की सोच रहे हैं तो उनका फिर ओपिनियन लेना, और अगर बन गई तो फिर उस पे तो फिर वापस ओपिनियन लेना। तो पॉलिसी बनने से पहले बिफोर ओपिनियन, उसके बाद बनने के बाद ओपिनियन लेना, दिस इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इससे भी उनको लगेगा, इससे क्या आएगा उनको, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, इसकी वजह से भी उनको खुश रहेंगे या सेटिस्फाइड रहेंगे। सेफ एनवायरनमेंट हो, सारी बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए कि भाई वॉशरूम वॉशरूम अच्छे हो, सैनिटाइज्ड हो, जॉब सेटिस्फेक्शन, कॉपरेशन, कंप्लायंस, और इससे एम्प्लॉयर ब्रांड भी अच्छा बनेगा, ताकि टैलेंटेड पीपल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, रिटेन हो, और लेबर टर्न ओवर भी कम हो। ठीक है, तो ये हमने सिग्निफिकेंस की बात कर ली। अब हम आते हैं असेंशियल पे। तो असेंशियल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि गुड आईआर को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि मेरी फर्म के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉपरेशन है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो क्या हो, अच्छे हो। वही पॉइंट से आप खुद सोच सकते हो क्या क्या होंगे। दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, वही स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स ही, हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल याद रख के ही बताना। दोनों के ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो चैनल होते हैं वो क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें बात करने के लिए अपने सुपरवाइजर से 3-4 दिन अपॉइंटमेंट लेके ही बात करनी पड़े। और एक हमें कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन दोनों पहले आपस में बात करके संभाल ले, कंसीलिएशन या मेडिएशन थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे, और आर्बिट्रेशन या एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि कोर्ट के पास चल जाए। और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आईआर सही रह सकता है, बताइए आप। रेस्पेक्ट करो वर्कर्स के राइट्स की, और उनको ट्रेनिंग दो। अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो उनका पे इंक्रीज हो जाएगा और उनके जो ग्रीवियंसेस है वो अपने आप कम हो जाएंगे। आप यूनियन को स्ट्रांग बनाओ। यूनियन का स्ट्रांग होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन ना इफेक्टिवली नेगोशिएट कर पाती है मैनेजर्स के साथ। ठीक है, अगर यूनियन होती है तो इंडस्ट्रियल एक्शन जैसे स्ट्राइक्स वगैरह होती है, इनकी जो चांसेस है वो थोड़े रिलेटिवली कम हो जाते हैं। फिर उनको पार्टिसिपेशन का मौका दो। आप जो अग्रीमेंट्स हुए हैं या जिस पे भी बात हुई है, जो नेगोशिएशन है, उनको आप ढंग से इम्प्लीमेंट करो। आप कंप्लायंस करो लॉज की, कम से कम ये तो कर लो, कुछ बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे रहे। ठीक है, और क्या होगा कि मैनेजर्स का पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, मतलब दे मस्ट ट्रीट द एम्प्लॉई एज पार्टनर। ऐसे नहीं कि उनको बस एक नौकर की तरह रखा जाए, वर्क करना चाहिए उनके एम्प्लॉई एम्पावरमेंट पे। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉई भी खुश रहेगा, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। तो यही पॉइंट्स हैं सारे, देख लेते हैं। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट्स, फेयर एंड कंसिस्टेंट पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन उसका फेयर होना चाहिए। वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट, ये एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। देयर मस्ट बी स्ट्रांग एंड स्टेबल यूनियन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, पॉजिटिव आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ा है। ये क्या है, गेन क्रिएशन रादर देन गेन शेयरिंग। अब
इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ये एक पाई है। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों लड़ते हैं कि किसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसको दूसरे नजरिए से देखे, क्या दोनों को काम नहीं करना चाहिए ताकि इस पाई का शेयर अपने आप ही भर जाए या पाई को हम बड़ा कर दें, तो इसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो शेयर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड फोकस ऑन द गेन क्रिएशन रेदर देन गेन शेयरिंग। फिर फैसिलिटेटेड रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए चीज़ों में, उसको क्या बस एक फैसिलिटेटर की तरह ही रहना चाहिए। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये हमने टॉपिक्स डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब हाउ मैनेजर्स कैन क्रिएट गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब आप बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्यों, ये टॉपिक तो पहले पहले जैसा ही है जो अभी हमने पढ़ा था असेंशियल्स, और ये डेडिकेटेड क्वेश्चंस आया, ये डेडिकेटेड क्वेश्चन आया हुआ है PYQ, ठीक है। बताओ, एक तो उसको कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखने चाहिए, वही बात है, रिपीट क्वेश्चन है, और बोलो बोलो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, उसको सारे अग्रीमेंट्स क्या करने चाहिए, ढंग से इम्प्लीमेंट करने चाहिए, उसको ट्रस्ट रखना चाहिए प्लस अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथी भावना होनी चाहिए, और कंप्लायंस रखना चाहिए, और रिस्पेक्ट एंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वही रिपीट पॉइंट है, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स होनी चाहिए उसमें, या फिर इधर एक दो इंटर पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए मैनेज करने की, ऐसे तू तड़ाके के, ऐसे तू तड़ाके से बोलना नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है तुम तो नीचे हो, ये वाला ना ढिंकाना। फिर है एम्पैथी इन अंडरस्टैंडिंग, फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन, टाइम टाइम पे अवार्ड्स निकालो, उनके एफर्ट्स को देखो कि यार ये एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करो, इंसेंटिव, जिसे वेरिएबल पे होता है कि जिसने जितना ज़्यादा अच्छा काम किया उसको उतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS में यही फॉलो होता है, उनको है ना उनकी बेसिक सैलरी के आगे ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट, टीम बिल्डिंग इनिशिएटिव, फीडबैक मैकेनिज्म, मैनेजर शुड बी अडेप्टेबल, मैनेजर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ट्रीट एम्प्लॉय एज अ पार्टनर। अब PYQ जो आए हुए हैं इसी टॉपिक से रिलेट देखते हैं, 2022 का है, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ IR मैनेजर, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। फिर डिस्कस द असेंशियल कंडीशंस फॉर कॉन्जीनियल IR, असेंशियल कंडीशंस हमने देखी थी वो लिखनी है। अभी कंजीनियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुड IR, सिंपल। वॉट इज इम्पोर्टेंस ऑफ IR, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, ये हमने देखा था, इसमें लिख दो। एक्सप्लेन हाउ द IR कैन बी इनहेंस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, चलो बताओ ये कैसे होएगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ईजी है इसका आंसर, क्या ये क्या पूछ रहा है बेसिकली, ये असेंशियल ही तो पूछ रहा है कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में IR को अच्छा बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द असेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड IR, ये क्या पूछ रहा है, ये भी असेंशियल पूछ रहा है। वॉट इज मेंट बाय IR, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ IR इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये वाला जो पार्ट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पार्ट तो आप अटेंड कर ही सकते हो। अब वॉट इज मेंट बाय IR, IR का मैंने बताया था कि कंसेप्ट पूछ रहा है, तो IR की मीनिंग लिख दो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, नेचर में क्या लिख दोगे, उसके फीचर्स लिख दो अच्छे से, स्कोप हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अप्रोचेस, अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोचेस का मतलब होता है कि पर्सपेक्टिव, यानी कि अलग अलग लोगों ने बताया है कि IR किसी इंडस्ट्री में कैसा होना चाहिए, या अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको कैसे कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, तो इसीलिए हम अप्रोचेस पढ़ते हैं। अब हम अलग अलग लोगों में कौन से लोगों को लेंगे जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, और इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में, तो ध्यान रखना।
अब यूनिटेरिस्ट पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव क्या बताता है कि यार हम कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, ये बस वर्कर का काम क्या होता है, वर्कर का काम यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आओ, अपने वेजेस लो, काम करो और बाय बाय, बस इतना ही होता है। दे हैव नो राइट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डू जॉब और गेट वेजेस, या टेक और लीव वाला एटीट्यूड होता है किसका, मैनेजर्स का। पर क्या ये आईआर के लिए सही है? नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था असेंशियल्स में, या फिर मैनेजर की ड्यूटी में क्या पढ़ा था कि यार मैनेजर की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉइज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक रखे, तभी तो आईआर अच्छे बनेंगे। इससे आईआर अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। अब हम आते हैं प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब प्लूरलिस्ट का मतलब भी समझाया ही था, इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्स इंटरेस्ट। डाइवर्स इंटरेस्ट यानी कि एम्प्लॉयर के अपने अपने इंटरेस्ट है और एम्प्लॉय के अपने इंटरेस्ट है। जैसे मैनेजर वांट सैलरी लो एंड वर्क हाई, एंड वर्कर वांट सैलरी हाई एंड वर्क लो, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनेविटेबल। अब मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट को तो हम सब जानते हैं। मार्क्सिस्ट क्या बोलता था कि पावर फ्लोस थ्रू अ बैरल ऑफ गन, यानी कि क्या बोलते हैं कि यार इन दोनों के बीच में ना बहुत वायलेंस रिलेशनशिप है। वर्किंग क्लास को अपने हकों के लिए वायलेंस पे उतर जाना चाहिए। तो क्या ये आईआर अच्छा कर पाएगा, आप खुद बताओ। अब नेक्स्ट अप्रोच हम पढ़ेंगे वीवी गिरी। वीवी गिरी कौन थे? ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ये क्या बोलते हैं कि यार इंडस्ट्रियल रिलेशन में ना, रिलेशन में क्या होना चाहिए, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, दोनों को आपस में मिलके ही सुलझाना चाहिए। तो ही एडवोकेट्स फॉर द लो स्टेट पार्टिसिपेशन, यानी स्टेट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और हमने ये असेंशियल्स में भी पढ़ा था कि हाँ जो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए क्या होना चाहिए, बस एक फैसिलिटेटर की तरह ही होना चाहिए। तो यहाँ से रिलेट कर लो, ही ओपाइन फॉर बाय पार्टिज्म। बाय पार्टिज्म यानी दो पार्टी, एक एम्प्लॉयर हो गई और एक एम्प्लॉई हो गई, एम्प्लॉय या फिर ट्रेड यूनियन बोल लो। ही इक्वेट्स स्टेट रोल विद द पुलिस मैन दैट कैन नॉट ब्रिंग द हार्मनी। ये अभी हम पढ़ेंगे। वर्क का पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इनके थ्रू ही आप क्या करो, कॉन्फ्लिक्ट को कम करो और कॉपरेशन को बढ़ाओ। फिर है गांधीज अप्रोच। गांधी क्या बोलते थे, ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये क्या बोलते थे कि भाई लेबर और कैपिटल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और एम्प्लॉयर को ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल पे फॉलो करना चाहिए। मतलब कि अब जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्रस्टीशिप क्या होता है। मॉडर्न ट्रस्टीशिप का क्या मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो जो पैसा कमाता है वो बस एक ट्रस्टी है उस कंपनी का या उस पैसे का। उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस पैसे को हम डिवाइड कैसे करें अमंग दी एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इससे क्या, इसके उनके जो मैनेजमेंट आउटलुक है क्या उसमें चेंज आएगा इस प्रिंसिपल से? हाँ बिल्कुल चेंज आएगा। तो क्या इससे आईआर अच्छे होंगे? बिल्कुल होंगे। फिर आएगा नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस बाय एम्प्लॉयज और ट्रुथ बाय बोथ द पार्टीज। ये ना एज इट इज याद रखना, ठीक है। अब एक और अप्रोच आती है, ड्यूनलॉप सिस्टम मॉडल अप्रोच। ये बहुत पहले यूपीएससी ने एज इट इज क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा था, ड्यूनलॉप सिस्टम मॉडल अप्रोच एज इट इज। तो हमें पता होना चाहिए, पहले हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, और ये डायग्राम कंपलसरी है, ठीक है। अब एक वर्ड नोटिस करो, सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम जब भी वर्ड आए इसका मतलब तीन प्रोसेस, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग और एक आउटपुट, ठीक है। यानी तीन एलिमेंट तो हमेशा होंगे, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा और एक आउटपुट होगा। इनपुट में क्या होंगे, एक्टर्स होंगे और कंटेक्स्ट होंगे। ये बेसिकली अप्रोच क्या है कि आईआर ना बहुत सारी चीजों का एक इंटर रिलेशन है या फिर इंटरसेक्शन है। यानी
ये सिर्फ एक सिंगल चीज़ से अफेक्ट नहीं होती, बहुत चीज़ों से अफेक्ट होती है और बहुत चीज़ें भी अपने आप में अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल इम्पुट, जैसे एक्टर्स, एक्टर में एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉई हो गया, ट्रेड यूनियन हो गई, इनकी स्टेट हो गई, और तो ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे करेंगे. अगर एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो क्या आईआर अफेक्ट होगा? होगा. अगर एम्प्लॉयज़ या फिर उनकी ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एम्प्लॉय इतना पावरफुल नहीं है तो क्या वो चीज़ अफेक्ट होगी? होगी. कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वही, आपको ये पेस्टल याद रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो ये आपस में अफेक्ट करती है, ये आपस में उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई के रिलेशनशिप, और ये क्या अफेक्ट करेगी, उनके कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगी. अ प्रोसेस यानी थ्रू विच दे आर सॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, बार्गेनिंग, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन और लेगिस्लेशन. ये इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है, अभी बस ये टर्म याद कर लो, बाद में समझ में आ जाएगा. और फिर इन सब के थ्रू आउटपुट क्या निकलता है? एक रूल निकलते हैं या फिर नॉर्म्स निकलते हैं, यही गवर्न करते हैं, यही गवर्न करते हैं किसको? आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को, ठीक है? हाँ, तो अब ड्यूनलॉ सिस्टम मॉडल मॉडल प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इट इंक्लूड्स वर्कर, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट. द थ्री एक्टर्स इंट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट. कौन कौन से? पेस्टल, दे प्रोड्यूस अ वेब ऑफ रूल्स यानी कि आउटपुट, या प्रोसीजर्स या कस्टम्स यानी कि नॉर्म्स दैट गवर्न द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. ये बताया था. द सिस्टमैटिक अप्रोच हाईलाइट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एक्टर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस टू ब्रॉडर एनवायरमेंटल फैक्टर इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो ये सब मिलकर अपने इंटरेक्शन से, इंटर रिलेशनशिप से शेप करते हैं किसको? इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को, ठीक है? ये अप्रोच थी किसकी? ड्यूनलॉप सिस्टम मॉडल की. अब इसके लिमिटेड फैक्ट लिमिटेशंस ये है कि यार बहुत कम लिमिटेड फैक्टर्स, अब जो चीज़ें अफेक्ट करती है वो तो लिमिटेड हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अफेक्ट कर सकती है. और इसमें जो रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट मच फोकस इज अपॉन, यू कैन राइट इट इन कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है? अब इसका PYQ आया था कि द फंडामेंटल एम ऑफ IR इज टू मेंटेन द साउंड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इल्यूसिडेट वॉट आर द वेरियस अप्रोचेज ऑफ IR. अप्रोचेज ऑफ IR में तो ये लिखना ही है जो बताया. अब ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं, ठीक है? द फंडामेंटल एम ऑफ IR इज टू मेंटेन द साउंड रिलेशन, तो इसमें अपने को क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव्स. तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग हम करेंगे IR के मीनिंग से, फिर हम दो फीचर्स लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे कि यार IR के एम क्या क्या है, इज टू मेंटेन, और एम इज टू मेंटेन द एम्प्लॉयर कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और कोऑपरेशन को बढ़ाना, और फिर हम लिखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ाना. समझ में आ गया? बस ये इतना सा लिखना है और बाकी हमें वेटेज देना है अप्रोचेस ऑफ IR को. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग IR और IR इज मल्टी डायमेंशनल. हम याद है कि हमने फीचर्स पे पढ़ा था. तो अब देखो कितनी सारी चीज़ें मिलके इस IR को अफेक्ट कर रही है. और IR को एक और टर्म हमने पढ़ी थी, परवेसिव, यानी कि इसको नेशनल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सबके सब लेवल पे IR अफेक्ट करती है. और इवन इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. यहाँ से परवेसिव का पॉइंट उठा लो, यहाँ से मल्टी डायमेंशनल का पॉइंट उठा लो, ठीक है? अब कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है? पहली बात आ गई सोशल. सोशल में एजुकेशन लेवल. अब अगर जितना पढ़ा लिखा एम्प्लॉय होगा उसके साथ IR ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर को पता है कि यार ये टैलेंटेड बंदा है, तो इसके साथ हमको ज़्यादा इंसेंटिव देने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से हमारा IR अच्छा हो गया. और जितने ज़्यादा
अनस्किल्ड लेबर होगा उतना ज्यादा आईआर क्या होगा, खराब होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लास क्लास कॉन्शियस, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से भी आईआर बेकार हो जाता है। वेल्थ वेल्थ यानी कि इनकम इनइक्वालिटी, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में, उतना ज्यादा आईआर क्या होगा, खराब होगा। तो ये इवन आप इनको है ना एज अ यूज भी कर सकते हो कि हाउ टू मैनेज या हाउ टू इम्प्रूव, सॉरी हाउ टू इम्प्रूव आईआर, कि यार गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डिक्रीजिंग द इनकम इनइक्वालिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की भावना मैनेजमेंट में होनी ही नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा हो स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करो ताकि आईआर अच्छा हो जाए। नेक्स्ट इकोनॉमिक, अब मार्केट मार्केट में या तो बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन चल रहा होगा। बूम पीरियड में आईआर अच्छे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि और ज़्यादा एम्प्लॉई एम्प्लॉयर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं, जबकि रिसेशन के अंदर एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। जैसे कि गूगल, गूगल में क्या होता है कि हमें अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ले ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या उससे एम्प्लॉई खुश रहेगा? नहीं रहेगा, उसको लगेगा नेक्स्ट नंबर मेरा है एम्प्लॉयमेंट। फिर तो अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि वेजेस कितने कैसे सेट हैं या फिर उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के, ये भी अफेक्ट करता है। फिर आती है टेक्नोलॉजी, मतलब कि जितना ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हैवी यूज़ होगा, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन वर्क डिक्रीज हो जाएगा। आज बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो गूगल हो, यही तो हो रहा है, एआई आर रिप्लेसिंग द जॉब्स। तो इसकी अब आपने ये भी देखा होगा कि वर्कर्स एट अ मास लेवल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस टेक्नोलॉजी, तो आईआर इसे हमें पता है कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल में लीगल लॉज क्या है, जैसे कि वेजेस एक्ट है या फिर अपना इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें आईआर को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है कि यार गवर्नमेंट सोशलिस्ट ज़्यादा है या कैपिटलिस्ट ज़्यादा है। अभी क्या चल रहा है, अभी ऐसा चलता है कि अभी हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट हर साल प्राइवेटाइजेशन का जो बजट है वो इंक्रीज करती जा रही है, इसका मतलब ना कहीं ज़्यादा कैपिटलिस्ट को वेटेज दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट जो सेक्टर है इसके अंदर जो बच्चे वो प्रोटेस्ट करते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब डिक्रीज हो रही है, तो आईआर अफेक्ट हो रहा है। जितना सोशलिस्ट होगा गवर्नमेंट जॉब बढ़ेगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, तो ये अच्छी बात है आईआर के लिए, पर ये इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी ठीक है। लेकिन अपने को तो आईआर पे ही स्टिक रहना है कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, ये वन एंड द सेम थिंग। तो ये हमने अच्छा हाँ, और इट अफेक्टेड बाय द पास्ट एंड इन इट अफेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ आईआर। और आईआर इंडस्ट्री लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, तीनों लेवल पे अफेक्ट करता है और अफेक्ट होता भी है। तो ये हमने पढ़ लिया कि व्हाई आईआर इज अ मल्टी डायमेंशनल। इसका अब आपको लग रहा होगा कि एक फीचर ही तो है, एक पॉइंट ही तो है, लेकिन नहीं, इस 2005 में एक पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन अ कॉन्टिजेंसी फ्रेमवर्क फॉर आईआर, यानी फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन अ कॉन्टिजेंसी फ्रेमवर्क फॉर आईआर, यानी ये ही पूछ रहा है कि व्हाई आईआर इज, मतलब हाउ आईआर इज मल्टी डायमेंशनल। आपको यही पूरा पॉइंट लिखना है, ठीक है, कि भाई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, मार्केट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वेल्थ क्लास, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग द आईआर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ आईआर क्या है, कैसे वो चेंज हुआ है।
हिस्ट्री पढ़ेंगे कि यार पहले प्री इंडिपेंडेंस कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसी हुई, और फिर चेंजेस हुए कौन कौन से फैक्टर थे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, राइट। फिर हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडस्ट्री रिलेशन, वर्क प्रैक्टिसेस वगैरह। नेक्स्ट हम उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे और हम ये पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे। इससे हैविली पी वाई क्यूज आए हैं पास्ट में, तो ये टॉपिक बाय हार्ट याद होना चाहिए। और एक बात नोटिस करिए कि हमेशा ना आई आर में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए ना हमें ये ना बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए कि आई आर प्रिपेयर करना। आई आर का वेटेज अप्रॉक्स 60-80 मार्क्स का होता है हर पेपर में। तो अगर हमने आई आर तो मतलब छोड़ के जानी ही नहीं है, अगर आई आर कर ली ना तो स्कोर बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज़।